अब हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो, वही है, लास्ट केस नंबर 3 दिख रहा है हम लोग को, ठीक है? क्योंकि देखो, केस 1 और 2 थोड़ा सा इजी लग रहा था, तो मैंने केस 3 का ही प्रॉब्लम उठा लिया, ठीक है? चलो देखो, इसमें साइन कन्वेंशन तो वही रहेगा जो केस 3 के लिए था, ठीक है? इस डायरेक्शन नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। चलो तो देखो, यहाँ पे क्या है, जो फोर्स लग रहा है, ब्रेकिंग फोर्स, वो कितना है आपका 800 न्यूटन, और जो कि फलक्रम से डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो आपका सेंटर से डिस्टेंस कितना है आपका 24, और नीचे जो ए का वैल्यू था वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपको आर एन निकालना है, एफ टी निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स निकाल, ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है, ठीक है? चलो यही चीज़, और दोनों के लिए निकालना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यही है क्वेश्चन आपका। देखो क्या दिया हुआ, अ शू ब्रेक हैज इट्स ब्रेक ड्रम 40 सेंटीमीटर, ठीक है? तो जो आपका ब्रेक ड्रम का कितना दिया है डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो गिवन। तो ड्रम दिया है, तो हमें यहाँ पे जरूरत किसका होता है, रेडियस का। तो यहाँ से अगर डायमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका रेडियस लिख लो कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और सारा वैल्यू किस में लेके चल रहा हूँ, सेंटीमीटर में, क्लियर? और क्या दिया हुआ है, अब ब्रेकिंग फोर्स कितना दिया हुआ है आपका 800 न्यूटन, यानी पी की वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 800 न्यूटन। आगे अप्लाइड ऑन अ लीवर, लीवर के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, दिख रहा है हम लोग को, फ्रॉम इट्स फलक्रम शोन इन फिगर, फाइंड ब्रेकिंग टॉर्क व्हेन द ड्रम रोटेट क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, और आपका जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपका 0.32, म्यू इक्वल टू 0.32, क्लियर? चलो फिर से वही चीज, टेकिंग, पहले अभी बात कर रहे हैं फॉर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, फॉर, या फिर लिख लो ब्रेक ड्रम रोटेट, ब्रेक ड्रम रोटेट, रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? तो जैसे ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो एफ टी का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, क्लियर? तो यहाँ पे लिख लो फिर, टेकिंग मोमेंट अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, ओ के अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट लेना है, और साइन कन्वेंशन आपका ये है। चलो तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग आर एन, आर एन इंटू 24 सेंटीमीटर, आर एन इंटू कितना होगा, आर एन इंटू ये डिस्टेंस कितना है 24, क्लियर? और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव क्या है आपका, इधर वाला क्या है नेगेटिव ही है, इधर भी नेगेटिव है, तो इक्वल टू दे दो, यानी कि 800 इंटू, देखो ये डायरेक्शन क्या है आपका, नेगेटिव डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन, तो 800 इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 60, क्लियर? और यहाँ पे प्लस इधर भेज दिया हूँ, ठीक है, इसलिए इक्वल के इधर लिख रहा हूँ। और क्या है आपका एफ टी, एफ टी इंटू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और इधर वाले को क्या लेना है आपको, नेगेटिव, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव, तो इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से एफ टी इंटू कितना हो जाएगा 6, क्लियर? चलिए इसको इधर लेके आइए, आर एन इंटू 24 इक्वल टू 800, ये भी लिख लो, सॉल्व कर दो, 8 6 30, ठीक है ना, प्लस 6 FT, ठीक, इसको इधर लेके आओ, आर एन इंटू 24 इधर आ गया, तो माइनस 6, ये एफ टी को क्या लिखोगे, आर एन इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है आपके 0.32, क्लियर, इक्वल टू 48,000, यहाँ तक क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आर एन यहाँ से कॉमन ले लो, सेम प्रोसीजर है, आर एन कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 24 माइनस 6 इंटू 0.32 इक्वल टू 48,000, ठीक। तो यहाँ से आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, देखो तो ये हो गया आपका
48,000 अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 × 0.32 ये आ रहा है 1.92, तो 24 − 1.92 यहाँ से 48,000 × 22.08 इसको सॉल्व करो 48,000 × 22.08 तो ये आंसर आ रहा है इसका आरएम की वैल्यू आ गई 2173.91 ठीक है और ये फोर्स है तो किस में आ गया आपका न्यूटन में क्लियर है यहाँ तक ठीक है इतना आ गया आपका चलो अब आर एन फाइंड आउट हो गया तो अब हम क्या निकालते थे एफ टी की वैल्यू निकालेंगे क्लियर तो यहाँ से एफ टी लिख लो तो एफ टी क्या होता है आर एन इंटू म्यू ठीक है तो आर एन इंटू म्यू इसको सॉल्व लिख दो कितना हो गया 2173.91 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 0.32 इसको सॉल्व कर दो वैल्यू इंटू 0.32 सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 695.6 तो ये आ गया एफ टी की वैल्यू क्लियर है तो देखो एफ टी भी आ गया आर एन भी आ गया अब आपको क्या निकालना है ब्रेकिंग टॉर्क ठीक है इसको आप लोग नोट डाउन करो या फिर मैं ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ निकाल देता हूँ इसको तो बी टी इक्वल टू क्या था एफ टी इंटू क्या होता है ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है एफ टी इंटू आर तो एफ टी की वैल्यू आप लेके आ गए हो 695.6 और आर की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर तो इंटू 20 तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा इंटू 20 कर दो ये आ जाएगा 13913.04 ठीक है ये आ गया ब्रेकिंग टॉर्क ठीक टॉर्क है तो ये किस में आ गया न्यूटन किस में चल रहा है ये सेंटीमीटर में चल रहा है सारा तो सेंटीमीटर क्लियर है तो ये आ गया आपका अगर सेंटीमीटर में निकालना है मीटर में करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए इसको और सॉल्व कर दो इसको 139.13 ठीक है इस दो जीरो इधर आ गया तो क्या आ गया ये न्यूटन मीटर क्लियर हो गया तो कितना हो गया 139 न्यूटन मीटर ठीक है 139 न्यूटन मीटर सॉल्व हो गया ये किस डायरेक्शन में हुआ ये हुआ आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्लियर है अब बात करते हैं हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो हाँ हो गया होगा चलो मिटाता हूँ इधर वैसे आप लोग खुद से भी कर सकते हो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर आप यहाँ से वीडियो को पॉज करना और ख़ुद से सॉल्व करना और लास्ट में आप लोग आंसर को मैच करा सकते हो चलिए ठीक है टेकिंग मोमेंट अब देखो बात करते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में ठीक और जो एफ टी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा इधर ये हो जाएगा एफ टी ठीक है चलो फिर से वही चीज़ टेकिंग मोमेंट अबाउट ये किसके लिए रोटेट एंटी क्लॉक वाइज टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ के लिए क्या हो जाएगा सिंपल आर एन इंटू एक्स पहले कर लो ठीक है आर एन इंटू 24 क्योंकि ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है तो यहाँ से आ गया आर एन इंटू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और क्या है और किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में तो देखो ये डायरेक्शन क्या है अभी पॉजिटिव है ठीक है तो इसको हम लोग ले लेते हैं एफ टी प्लस एफ टी इंटू 6 सेंटीमीटर और क्या है आपका एफ टी हो गया ये हो गया और पी की वैल्यू किधर है नेगेटिव है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 × 60 सेंटीमीटर यहाँ तक क्लियर है सॉल्व कर दो सिंपल आर एन इंटू 24 प्लस एफ टी की वैल्यू की क्या लिख सकते हो आर एन इंटू म्यू और म्यू कितना है 0.32
0.32 इंटू 6 इक्वल टू 8, यही चीज 48,000। क्लियर। यहाँ से आर एन कॉमन ले लीजिए, आर एन ले लिए तो यहाँ 24 प्लस, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 0.32 इंटू 6, 1.92 आया था, 1.92 इक्वल टू 48,000। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48,000 अपॉन प्लस 24, 25.92। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, नीचे आ गया, सॉल्व कर लो कितना रहे, 48,000 अपॉन 25.92, ये आ रहा है आपका 1851.85। ठीक है, इतना आ गया, आर एन आ गया। एफ टी निकाल लो, एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन इंटू म्यू, तो आर एन की वैल्यू आपको पता है 1851.85, म्यू की वैल्यू 0.32 इंटू 0.32, आंसर आ गया 592.59, ये आ गया एफ टी की वैल्यू, ये सब न्यूटन में आ रहा है। क्लियर, तो देखो एफ टी भी आ गया, सब आ गया, अब निकाल लो इसके लिए ब्रेकिंग टॉर्क। तो यहाँ से ब्रेकिंग टॉर्क कितना होता है, एफ टी इंटू आर, तो एफ टी हो गया आपका 592.59 और आर है आपका 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ रहा है सारा, तो इंटू 20 ये आ रहा है 11851.85। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आया है, अब मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 118.51 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। देखो दोनों चीज़ आ गया, फॉर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। क्लियर है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है ब्रेक का। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए।